Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing units and measurements, and we are going to discuss today significant figures. This is a video lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. So, significant figure we have to discuss today. And what is significant figure? Let me start from there only. So, significant figure kise kahenge? तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स होती है और एरर्स होती है मेजरमेंट में और कई डिजिट्स आते हैं उसमें से कुछ डिजिट सर्टेन होते हैं और कुछ डिजिट अनसर्टेन होते हैं। जैसे किसी से कहा जाए कि भाई बताइए कि यहाँ से आपके घर से आपके स्कूल के आपसे ही पूछा जाए कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है तो आप कहते हैं कि 500 मीटर के आसपास है, 500 मीटर है आपने कह दिया। एक आदमी कह रहा है कि 500 मीटर और 5 मीटर है तो ये भी एक बात हुई कि 505 मीटर है। दूसरा ने कहा कि 505.2 मीटर तो इसका मतलब ये भी बात सही है, 505 ज्यादा एक्यूरेट बोल रहा है और एक आदमी 505 बोल रहा है, आपने 500 के आसपास बोली है, सब लोग सही है अपनी जगह पे, लेकिन सब में सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग होंगे। जिसने 500 कहा है कि 500 मीटर है उसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 5, जिसने 505 कहा है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और जिसने 505.2 कहा है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है जो सर्टेन डिजिट्स होती है और सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्या? अगर कोई किलोमीटर स्केल से मेजर कर रहा है तो वो 500 मीटर कह सकता है, या मीटर के स्केल से मेजर कर रहा है तो किलोमीटर से तो 500 मीटर मेजर कर सकता है, या कोई ऐसे कह सकते हैं कि मीटर स्केल से मेजर कर रहा है तो 500 मीटर कैलकुलेट कर लेगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा उसको मीटर से स्केल से मेजर नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी के पास मीटर स्केल से छोटा स्केल हो, सेंटीमीटर से अगर मेजर कर रहा हो तो 505 मीटर भी मेजर कर सकता है आराम से, और कोई मिलीमीटर से अगर मेजर करे तो 505.2 मीटर भी एक्यूरेट मेजर कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमारी लिस्ट काउंट कितनी बड़ी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन की बात होती है। 500 मीटर जो है वो एक रफ वैल्यू दे रहा है एज कंपेयर टू 505, 505 ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, 500 मीटर है नहीं जी, एग्जैक्ट 505 मीटर है। दूसरा आदमी कह रहा है नहीं 505.2 है, तो ज्यादा प्रिसाइज कौन उसमें बात बोल रहा है, ज्यादा प्रिसीजन के साथ कौन बोल रहा है? 505.2 वाला ज्यादा प्रिसीजन के साथ बोल रहा है, 505 वाला उससे थोड़ा कम प्रिसीजन है लेकिन उसकी प्रिसीजन तो है, वो 500 वाले से ज्यादा एक्यूरेट है। तो 500 वाले का कम है, 505 वाले का उससे ज्यादा प्रिसाइज है, और 505.2 वाले का उससे भी ज्यादा प्रिसाइज है। और अगर कोई कह दे कि 505.20 है तो ये उससे भी ज्यादा प्रिसाइज है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रिसीजन जो होती है मेजरमेंट्स में, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करता है लिस्ट काउंट पे, और ये प्रिसीजन बताता है कि मेजरमेंट का कितना प्रिसाइज है और प्रिसीजन उसकी कैसी है मेजरमेंट की, तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आपसे किसी का फीवर मेजर कर रहे हैं अगर थर्मामीटर है मरकरी वाली तो आपसे पूछा जाए कितना फीवर है जी, तो आप कहते हैं 102 पॉइंट समथिंग है, वो समथिंग क्या है अनसर्टेन है, 0.1 है, कोई कह सकता है देखेगा तो कहेगा कि नहीं 102.2 है, कोई कहेगा 102.3 है। तो ये जो 1, 2, 3 आया ये अनसर्टेन है, 102 पे तो सब लोग श्योर है कि भाई 102 फीवर है, 102 सर्टेन है, और उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3 ये अनसर्टेन डिजिट है। तो हम ये कहेंगे कि सारे सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। टोटल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हाउ वी कैन राइट देम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेट मी डिस्कस फर्स्ट। तो लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये है हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है।
ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर द सर्टेन डिजिट्स, सर्टेन डिजिट द टोटल सर्टेन डिजिट, ये कह सकते हैं द टोटल सर्टेन डिजिट, द टोटल सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये होता है, सपोज अ लेंथ ऑफ समथिंग, इफ आई मेजर लेंथ इज, लेंथ ऑफ समथिंग, लेंथ इज इक्वल टू 124.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस, दिस वन इज कॉल्ड रिलायबल डिजिट, रिलायबल डिजिट्स, एंड दिस वन इज कॉल्ड अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। सो दीज रिलायबल प्लस वन अनसर्टेन एंड द टोटल विल फॉर्म सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो रिलायबल डिजिट्स, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपने कहा कि किसी ने कि 500 है और 500 के बाद किसी ने कहा कि 505 है तो ज्यादा प्रिसाइज है, किसी ने 500.2 कह दिया तो और ज्यादा प्रिसीजन है क्योंकि उसका लिस्ट काउंट जो है छोटा, जो मेजरमेंट करने का सबसे छोटा यूनिट है वो उसका सबसे छोटा है। किसी ने कहा 505.20 तो उसका ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा प्रिसाइज है। तो इन सब में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग उसमें हो रहे हैं और डिपेंड कर रहा है ये क्या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का कैसी है, बट यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिसीजन से फर्क पड़ेगा लेकिन यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे इस लेंथ को अगर मान लो कि लिख दिया जाए सेंटीमीटर के बजाय मिलीमीटर में लिख दिया जाए, इतना मिलीमीटर, तब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तब भी ये 3 जो है रिलायबल है और ये जो है अनसर्टेन है। अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया जाए तो 1.245 मीटर हो जाएगा, ये मिलीमीटर है, ये मीटर हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी ये मिलीमीटर है, ये मीटर हो गया। अगर किलोमीटर में बदले तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको किलोमीटर में बदले तो लिख सकते हैं 1000 से और डिवाइड करोगे तो 0.001245 किलोमीटर। इन दिस वे सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल, इन ऑल केसेज ओनली 4। सो चेंज इन यूनिट, पहली चीज ये याद रखें कि चेंज इन यूनिट, इन यूनिट विल नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट, मेजरमेंट्स, ठीक है। चेंज इन, अब इसमें क्या होगा, ये कैसे होगा, यहीं से सारे रूल निकल के आ जाएंगे। अब रूल क्या हुआ कि यहां पे डेसिमल के बाद ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल के बाद के जीरो, अगर ये इधर जीरो है तो नॉन जीरो डिजिट के पहले, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कह सकते हैं। डेसिमल के प्लेस बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक और बात निकल के आ गई कि प्लेस ऑफ डेसिमल, प्लेस ऑफ डेसिमल, प्लेस ऑफ डेसिमल हैज नो रोल, नो रोल इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ये कुछ बातें निकल के आ गई कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में
डेसिमल कहाँ होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो बातें हुई कि चेंज इन यूनिट विल नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड प्लेस ऑफ डेसिमल हैज नो रोल इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो कहीं भी हो इट इज इंडिपेंडेंट, न किसी का रोल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि प्लेस ऑफ डेसिमल इज इंडिपेंडेंट, प्लेस ऑफ डेसिमल इज इंडिपेंडेंट इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये होता है। अब इसके कुछ रूल्स भी हैं, तो ये जो है वो क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि प्रिसीजन पे डिपेंड करेगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है, उसकी प्रिसीजन कैसी है, उसके हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं और उस रूल को सीखना है कि हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रूल वन, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल है हमारा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए मेजरमेंट, मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4, ये हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, ये कोई भी यूनिट हो सकता है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिट से मेजर किया है। तो 1 2 3 4 अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें आप इसे सेंटीमीटर में मान लीजिए मेजर किया है तो इतना सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12.34 मीटर हो सकता है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1234 किलोमीटर हो सकता है। बट इन ऑल केसेस देयर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 2 3 5 है, ये जो जीरो है जिससे ट्रेल हो रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं है। सो अगर लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा लिखा जाए कि ये जीरो इनके बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो रूल टू है हमारा कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं। जैसे यही चीज अगर होता हमारे पास कि 2 3 0 5 ऐसा, तो हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। या इस नंबर में ऐसा होता हमारे पास कि 2 0 3 0 5, तो इसमें ये जो दोनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होते, हैज फाइव सिग्निफिकेंट फिगर, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह का होगा। तो ऐसे अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई आखिरी में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं होगा। तो जीरो अगर आखिरी में हो तो उसके लिए क्या रूल है, रूल थ्री क्या है कि ऑल इफ ए नंबर, इफ ए नंबर इज ट्रेलिंग, ट्रेलिंग विथ जीरो और जीरोज, देन द फॉलोइंग टू केसेज आर देयर। केस फर्स्ट, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट,
देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट पॉइंट इन रिप्रेजेंटेशन देन द ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन राइट हेयर 2 3 5 0 0 हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ओनली, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ओनली. ये हमने पहले ही बता दिया था फिगर, ठीक है. अगर ये लिखा हो 2 3 0 0 5 तो ये सिग्निफिकेंट फिगर था. लेकिन अगर इसके बाद डेसिमल पॉइंट रख दिया जाए, जैसे ये 2 3 5 0 0, तो दूसरा केस है कि इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट, इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आफ्टर ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज जीरोज देन ट्रेलिंग जीरोज देन देन द जीरोज आर कंसिडर टू बी आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 0 5 0 लिखा है इसमें और एक और जीरो यहां लिखा है, फिर डेसिमल लिखा है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर ये भी लिखा है तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरो को हम कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे ये 2 यूनिट तक प्रिसाइजली, यहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है. यहाँ जीरो लिखने का मतलब है कि सर्टेन है, ये रिलायबल डिजिट है. यहाँ 1 2 3 4 नहीं आ सकता. यहाँ भी जीरो लिखने का मतलब है कि ये भी रिलायबल है, ये रिलायबल डिजिट में है. यहाँ पे जीरो लिखने का मतलब है ये एक अनसर्टेन है आखिरी. तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5 to 7, हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर, 7 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. ये हो गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर. तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद वाले जो भी जीरोज होंगे उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट के बाद होने चाहिए. इफ जीरोज आर आफ्टर डेसिमल प्लेस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स देन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट. In this case, number value must be less than one. जैसे क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि ये लिखा है 0.00357, तो ये नंबर एक से कम है और ये जो दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. सिग्निफिकेंट हैं कौन कौन से? तो ये सिर्फ तीन, ये तीन जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं और ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. सो हेयर ये एक से कम है. अगर यहाँ 2 होता तो ये एक से कम नहीं होता, ये नंबर ज्यादा होता, तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो जा जाते, है ना. तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यहाँ पे हैं 3 5 7,
ये एक से कम है, आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कौन से? ये जीरो कैलकुलेट नहीं होंगे, ये ही तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये जीरो कैलकुलेट नहीं होंगे। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा होता 00357, तब ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरोज हैं, और तब ऐसी स्थिति में ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होते, तब हम लिखते कि हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, हियर सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर, याद रखें सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी एक रूल दूसरे रूल को ओवर रूल नहीं कर सकता, तो ये बात दिमाग में रखें। यानी टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोज हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। अगर नंबर एक से कम है और एक से कम में डेसिमल के बाद जीरोज हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स के जो पहले है, इसके पहले है। और अगर ऐसा होता कि 0.03570, तो इस जीरो को काउंट करते, ये दो जीरो काउंट होंगे क्योंकि डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट्स के बाद हैं ये जीरोज, तो ये काउंट होंगे लेकिन ये काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? हैज फाइव, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ज्यादा लफड़ा जीरो के साथ ही है कि जीरो हो तो क्या करेंगे डेसिमल के बाद। लेकिन अब एक और ओवर रूल नहीं है वैसे तो, अगर मेजर्ड वैल्यू है, मान लीजिए कि हमने ये कहा यहाँ पे आपको कि 23500 में सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, लेकिन ये वैल्यू किसी मेजरमेंट से अगर आ रही हो, ये वैल्यू किसी मेजरमेंट से अगर आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होंगे, इसमें ये सारे जो लिखे हैं 23500, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होंगे। यहाँ पे ये लिखा था, ये जो है इसमें सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं अभी। और अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें ये मेजर्ड वैल्यू होती तो इसमें ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते। अभी चूंकि ये मेजर्ड नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, कोई नंबर है, तो इसमें जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और वो कौन कौन से नंबर होंगे तीन? वो होंगे 2, 3 एंड 5। तो वैल्यू कम्स इन मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन, इन एग्जैक्ट कैलकुलेशन और मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड देन ट्रेलिंग जीरो, जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आर कंसीडर्ड टू बी, कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे कोई आपने कैलकुलेशन से आए या मेजरमेंट किया, एग्जैक्ट 500 मीटर है, ठीक है, ये मेजर मेजर्ड वैल्यू है 500 मीटर, तो इट हैज, इट हैज, इफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इज 500 मीटर, देन इट इज कॉल्ड, इट हैज 500 मीटर, इट हैज देन इट हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, देन इट हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये 500 कोई नंबर है तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर ये मेजर्ड वैल्यू है तो इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। यहाँ पे रिलायबिलिटी है, किसी ने अगर मेजर किया है तो कह रहा है, जैसा कि हमने शुरू में एग्जांपल्स दिया था,
कि कोई कह रहा है कि 500 मीटर है तो उसने भी एक्यूरेसी 500 मीटर की बताई, किसी ने कहा कि 500.5 है, किसी ने कहा 500.5 505.2 है, तो इस तरीके से ये प्रिसीजन के हिसाब से मेजर्ड वैल्यू है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर उसमें उसी के अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा। तो मेजर्ड वैल्यू के केस में ये जो जीरो ट्रेलिंग जीरो होता है उसको हम मानते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, जीरो के केस में खाली बात है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर जीरो बाद में ट्रेल कर रहा है और उसके बाद डेसिमल प्लेस है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद जीरो है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद जीरोज हैं और नंबर एक से कम है जैसे यहाँ पर है तो उसमें ये जीरो को यानी 0.0 जो होगा उसको या कितने भी जीरो होंगे 0.000 तो वो सब जीरो जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोज अगर नंबर लेस देन वन हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये छोटी सी बात है जिसको आपको समझना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, अगर नंबर को पावर में लिखें तब भी हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता चल जाता है। तो सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है पहले ये देखें, साइंटिफिक नोटेशन ये क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन होता है नंबर को एक डिजिट के बाद, जैसे मान लीजिए कि 1 2 5 3 6 0 ऐसा लिखा है, इज ए नंबर, दैट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट नंबर, दिस नंबर दैट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज 1.2536 इंटू 10 to the power, हाउ मेनी जीरो, यहां जीरो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 ठीक है, 2 4 5 10 to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं। एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है और इसे लिखना है, दैट इज बेसिकली इफ अ पैटर्न, इफ नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ए इंटू 10 to the power b, देन बी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द नंबर एंड दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन ये है, आर ए इंटू 10 to the power b, एक डिजिट के बाद, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल हम रख देते हैं और इसमें ऑर्डर ये पता चलता है। ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे 0.00023 लिखा है, 235 लिखा है, तो दैट कैन बी रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म 235 इंटू 10 to the power -3, राइट, 235 इंटू 10 to the power -3, तो यहाँ ऑर्डर जो है वो क्या है, -3 है, ऑर्डर यहाँ पर -3 है, तो ऑर्डर इसको कहते हैं जो पावर होता है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो ये 10 के पावर से कुछ लेना देना नहीं है, ये सारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर कंफ्यूजन हो रही हो पहले वाले रूल सबसे लिखने के लिए, तो तरीका यह है कि आप साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें, 10 के पावर को इग्नोर करें, इसको इग्नोर मारें और यहाँ पे जो कुछ होगा उसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कितने, 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस रिप्रेजेंटेशन में लिखने से। आपको रूल नहीं भी याद हो तब भी चल जाएगा। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद ये जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है,
ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसमें हमने ये जीरो को, चूंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है और ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इस जीरो को हम नहीं लिख सकते, इस जीरो को हमें लिखेंगे नहीं, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बशर्ते वो मेजर्ड ना हो। तो यहाँ पर कितने अब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, 4, 5, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी नंबर को आप अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो ए होता है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और ये 10 जो है वो बेस है, और बी जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर किस ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए कोई और एक नंबर आप लेते हैं कि 2, ये लेता हूं मैं, टू पॉइंट जीरो थ्री फाइव, ऐसा कुछ लिखा है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं। लेकिन अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2.035 इंटू 10 टू द पावर 0, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा लिखा हो कि 203.5 और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2.035 इंटू 10 टू द पावर 2, बोलिए, तो ये भी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कहीं नंबर ऐसा लिखा होता कि 203500, तब भी हम इसको लिखते 2.035 इंटू 10 टू द पावर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे होते। इस जीरो के डेसिमल के बाद लास्ट जीरो की ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं है, इसमें डेसिमल लिखा नहीं है पहले से, तो ये 10 टू द पावर 5। सो ऑल इन दीज 3 केसेज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 ओनली, वट एवर द पावर ऑफ, वट एवर द ऑर्डर ऑफ नंबर में भी। यहाँ पे ऑर्डर नंबर का 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, बट इन ऑल दीज 3 केसेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हाउ मनी फिगर्स आर 4 ओनली, ठीक है, इन ऑल केसेज। तो इस तरह से यूनिट बदलने से भी सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 2.20 किलोमीटर, ऐसा 2.20 किलोमीटर, अभी किलोमीटर में लिखा है, इसका मतलब ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, नंबर नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3, डेसिमल के बाद वाले जीरो को कैलकुलेट करेंगे, 3 हो गए। अब इसको कोई लिखना चाहता है कि 2.200, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.200 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। कोई सेंटीमीटर में लिखेगा तो ये लिखेगा इतना सेंटीमीटर, और कोई और लिखना चाहता है मिलीमीटर में तो और एक जीरो आ जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 2.2 × 10 टू द पावर कितने हैं, यहाँ पे 2.20 सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, 2.20 मेजर्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पावर 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2.20 × 10 टू द पावर 3 हो गया, यहाँ पर 2.20, इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है, सो 2.20 × 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पर इसको क्या हो गया, ये मीटर हो गया, ये किलोमीटर है, और यहाँ पर भी 2.20 × 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज 2.20 × 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। ये सब जो है अलग अलग है, ये पावर चाहे जो मर्जी हो जाएं, लेकिन ये ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो जाएं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हर एक केस में ये 3 ही रहेंगे। और ये जीरो इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको चिंता हो रही होगी जीरो को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू में जीरो को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जीरो है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर सब में है, वट एवर द ऑर्डर में भी। इसलिए ऑर्डर साइंटिफिक नोटेशन में अगर किसी भी नंबर को लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें ए जो होता है
वो सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो रिलायबल डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। ये जो जीरो है ये अनसर्टेन है, इसको हम अनसर्टेन मानते हैं, और बाकी जो डिजिट्स है वो रिलायबल डिजिट्स है, वो बदलते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर में। और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। आप जरा सोच के बताइए, और इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे उनको भी आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़े से और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल, और आपको बताना है इसमें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, राइट। तो ये आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बताने हैं। जैसे ये लिखा है 0.0030, दूसरा लिखा है 0.00325, तीसरा लिखा है 0.03205, चौथा लिखा है ऐसा 3.0005, पांचवा लिखा है आपको 2350.00। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप डेसिमल के बाद, ये चूंकि ऐसे लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद इस जीरो की वैल्यू होगी, और ये इसमें ये दोनों जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, टू। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, थ्री, क्योंकि इन दो जीरो की वैल्यू नहीं होगी। इसमें इस जीरो की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये चारों होंगे, तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फोर। इसमें कितने होंगे, तो फोर एंड वन फाइव। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो इतने भी जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यहाँ डेसिमल रख दिया गया है, उसके बाद के भी डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद के जीरो को हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 2 4 and 2 6, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो यहाँ पर इन सब नंबर्स के बीच में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इसमें जब कम्बिनेशन होती है, कोई कैलकुलेशन होता है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल रहता है। जैसे टू फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरह की क्वांटिटी होगी, उसमें अलग अलग तरह के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के क्या रूल होने चाहिए, द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगले दिन और भी इससे ज्यादा सीखेंगे, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। तो ये अगली क्लास में हम सीखते हैं, आज के लिए इतना ही। आप आराम से इसको रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने के बाद इसको और कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।